है फ्रेंड्स, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त। देखो, आज मैं यहाँ पर आपको आपको पता है ज्योग्राफी और नेट का फर्स्ट पेपर दोनों पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? ज्योग्राफी और नेट का फर्स्ट पेपर, ये दो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, जो कि हमारा इंडिया ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो चुका है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ओशनोग्राफी। तो जो हमारा ओशनोग्राफी है वो भी कंप्लीट होने वाला है। क्या है कि जो ओशनोग्राफी है वो भी हमारा कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। आज हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख नदियां। क्या? विश्व की प्रमुख नदियों की बात करेंगे हम आज यहाँ पर। तो जो विश्व की प्रमुख नदियां हैं उनकी हम बात करेंगे यहाँ पर मानचित्र की द्वारा। एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी महाद्वीपों की जो नदियां हैं उन सभी की बात करेंगे हम। और वो भी कौन सी नदियां? इम्पोर्टेंट नदियां, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। इन नदियों के हम यहां पर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। किसकी? इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे हम, ध्यान रखना। और ये सारा सारा मैं मैप के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा। किसके अकॉर्डिंग? मैप के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, हम इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। आप सभी की सभी नदियों का मैं आपको यहाँ पर मैप के द्वारा समझाता चलूँगा। और उससे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को दबाना है, जो इस तरीके की जो घंटी है ना उस घंटी को दबाना है, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना है, ये आपको तीन काम करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिल्कुल इसी तरीके से पूरा ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, नेट का फर्स्ट पेपर पढ़ने के लिए, जो सेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बिना आपका और मेरा टाइम वेस्ट किए हुए। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम चलते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया की प्रमुख नदियाँ। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर पॉइंट उठा देता हूँ। बिल्कुल अब अच्छे तरीके से आपको पूरा पूरा दिखेगा। एशिया की प्रमुख नदियां, ठीक है, एशिया की प्रमुख नदियां। तो सबसे पहले मैं एशिया का मानचित्र बनाता हूँ। तो हम जैसे देखो, सबसे पहले एशिया का मानचित्र बनाते हैं, उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से स्टार्ट करते हुए हम नीचे की ओर चलते हैं और नीचे की ओर चलते हुए यहाँ पर हम पहुँचते हैं ऐसे। ठीक है, फिर हम यहाँ पर बनाते हैं क्या? भारत। क्या ये हमारा भारत है? ये ठीक है, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल भारत। और इस तरीके से ऊपर की ओर चलते हैं और ऐसे करके ये हमारा एशिया का मानचित्र हो गया। क्या हो गया? ये हमारा एशिया का मानचित्र हो गया, ठीक है। इस तरीके से है कुछ एशिया का मानचित्र।
जिसका हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ की जो नदियाँ हैं उन नदियों के बारे में दिखा देता हूँ कि कौन सी नदी कहाँ पर है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक नदी यहाँ पर है जिसका नाम क्या है, आमुर नदी है, ठीक है। फिर मैं इनके बारे में आपको बताता चलूँगा। उसके जस्ट नीचे है यहाँ पर हांगो नदी, ठीक है। हांगो नदी के जस्ट नीचे है यांगसी नदी, कौन सी है, यांगसी नदी है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा नदियों को सही ढंग से बना देता हूँ, बिल्कुल सीधी नदियाँ नहीं होती, इस तरीके से होता ही, ठीक है। और ऊपर है लीना नदी, यहाँ पर कौन सी नदी है, लीना नदी, ठीक है। यहाँ पर है कौन सी नदी, येनेसी नदी। और यहाँ पर कौन सी नदी, यहाँ पर है ओग नदी, ठीक है। जहाँ तक आपको समझ में आ गए, अब उसके बाद हम जस्ट नीचे चलते हैं बिल्कुल इस तरीके से। ये कौन सी नदी है, ये है सिंधु नदी, कौन सी है, ये सिंधु नदी है। इसके अलावा ये कौन सी नदी है, ये है गंगा नदी, ठीक है। ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें, ये कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बाद में यहां पर है ये इस तरीके से इरावती नदी, ये कौन सी है, ये बिल्कुल इस तरीके से, यहां से मिली हुई नहीं है लेकिन इस तरीके से हुई। ये कौन सी है, ये हमारी इरावती नदी। और इरावती नदी से जस्ट आगे है सालवी नदी, ये हमारी कौन सी है, सालवी नदी। और यहां पर इस तरीके से मेकांग नदी, ये मेकांग नदी है, ये सालवी नदी है, ठीक है। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखो यहां पर ये कौन सी है, ये है मेकांग नदी, ये है सालवी नदी, ये है इरावती नदी, ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ये है गंगा नदी, ये है सिंधु नदी, ये यामस्टिकांग नदी यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर हांगो नदी, यहाँ पर ये आमो नदी, लीना नदी, येनेसी नदी और ओब नदी। ये यहाँ की कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है, क्वेश्चन बनता रहता है यहाँ से। तो अब हम यहाँ पर एक एक नदियों को इनको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार आप ये मैप बना लो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम आमुर नदी, आमुर नदी। देखो जो आमुर नदी है, जो ये है यहाँ पर, तो आमुर नदी का जो उद्गम है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है, मंगोलिया, मंगोलिया। आमुर नदी का जो उद्गम स्थल है वो मंगोलिया है। विलय, विलय कहां पर होता है, इसका ओखोत्स्क सागर में होता है, किस में होता है, ओखोत्स्क सागर में इसका विलय होता है। और ये नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है, ठीक है। ये तीन बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है आमुर नदी से संबंधित, कि आमुर नदी का उद्गम स्थल मंगोलिया है, यहां पर क्या है, मंगोलिया है। विलय ओखोत्स्क सागर में, जो आमुर नदी है ओखोत्स्क सागर में गिरती है और रूस और चाइना के बीच में सीमा बनाती है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी, हांगो नदी।
दूसरी कौन सी है? हांगो नदी। अब देखो जो हांगो नदी है उसका उद्गम क्या है? तो जो हांगो नदी है उसका उद्गम स्थल है कुनलुन पर्वत के बायन हर पहाड़ी, कुनलुन पर्वत का बायन हर पहाड़ी, कुनलुन पर्वत का बायन हर पहाड़ी या बयाहार पहाड़ी या बयाहार पहाड़ी या कुनहाई प्रांत। देखो जो हांगो नदी है वो कुनलुन पर्वत के बायन हर पहाड़ी या बयाहारा पहाड़ी से निकलती है, और ये जो बायन हर पहाड़ी और बयाहार पहाड़ी है वो कुनहाई प्रांत में, चीन का एक प्रांत है कुनहाई प्रांत, जहाँ पर बायन हर पहाड़ी जिसको बयाहार पहाड़ी भी बोलते हैं, जो कि कुनलुन पर्वत की एक शाखा है, वहाँ से निकलती है। हांगो नदी कहाँ से निकलती है? किसी भी तरीके से पूछ सकता है, प्रांत पूछे तो कुनहाई प्रांत से निकलती है, पहाड़ी पूछे तो बायन हर पहाड़ी या बयाहार पहाड़ी से निकलती है, और पर्वत पूछे तो कुनलुन पर्वत से निकलती है। अब इसका जो विलय, विलय कहाँ पर होता है? पीला सागर में होता है, जिसको हम चीहल्ली की खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीहल्ली की खाड़ी बोलते हैं। तो जो हांगो नदी है उसका विलय कहाँ पर होता है? पीला सागर में। यहाँ पर क्या, कौन सा सागर है? यहाँ पर है पीला सागर, चीहल्ली की खाड़ी है यहाँ पर, जिसको पीला सागर भी बोलते हैं, उसमें हांगो नदी अपना जल गिराती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं हांगो नदी के बारे में ही। तो देखो हांगो नदी के बारे में और बात की जाए तो देखो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो हांगो नदी है वो चाइना के पीली मिट्टी वाले क्षेत्र से बह के निकलती है। कहाँ से बहती है? चाइना के पीली मिट्टी वाले क्षेत्र से बहती है, जिसकी वजह से इस नदी का रंग है जो भी पीला होता है। दोबारा से बताता हूँ कि जो हांगो नदी है वो चाइना के पीली मिट्टी वाले क्षेत्र से बहती है, जिसकी वजह से इस नदी का जो पानी का रंग है वो पीले रंग का दिखाई देता है, जिसके कारण ही जो चिल्ही की खाड़ी है उसको पीला सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला सागर बोलते हैं। तो हांगो नदी है वो पीली मिट्टी के क्षेत्र से बहती है, यह है पीली मिट्टी के क्षेत्र से बहती है। ठीक है, इसके पानी का रंग पीला होता है, पीला दिखता है। इसके पानी का रंग कैसा दिखता है? पीला दिखता है। इसी कारण चीहल्ली की खाड़ी को खाड़ी को पीला सागर कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम हांगो नदी के बारे में और आपको बताते हैं, इससे कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यदि बात की जाए, हांगो नदी लंबाई के आधार पर विश्व की सातवीं सबसे बड़ी नदी है। हांगो नदी लंबाई के आधार पर विश्व की सातवीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, हांगो नदी है वो लंबाई के आधार पर विश्व की सातवीं सबसे बड़ी नदी है, एवं चाइना की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कि जो हांगो नदी है वो चाइना की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और विश्व की सातवीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, हांगो नदी को यही डायरेक्ट लिखते हैं, इस नदी को
इस नदी को चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता का उद्गम स्थल कहा जाता है। कि जो हांगो नदी है, हांगो नदी को चीन की सभ्यता का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि चीन की सभ्यता का उद्गम स्थल कौन सी नदी को कहा जाता है, तो वो है हांगो नदी। यह नदी अपना मार्ग बदलती रहती है, यह नदी अपना मार्ग बदलती रहती है, इसलिए इसे चीन का सौंक भी कहते हैं, इसलिए इसे चीन का सौंक या विश्व की आत्मघाती नदी देखो, जो हांगो नदी है वो अपना मार्ग बदलती रहती है, जिसके कारण हांगो नदी को चीन का शोक व विश्व की आत्मघाती नदी भी बोलते हैं। देखो, जब हांगो नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती है, सपोज डेट मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ, कोई नदी इस क्षेत्र से बह रही है और वो यहाँ पर क्या है, इस क्षेत्र से बह रही है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस एरिया में लोग रह रहे हैं बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, सब रहते हैं नदी के किनारे पर। अब अचानक क्या करें कि जो हांगो नदी है वो अपना मार्ग इस तरीके से बहाने लग जाए, इस तरीके से आबादी वाले क्षेत्र से बहना स्टार्ट कर दे, तो क्या होगा, जो आबादी वाला क्षेत्र था जिसमें हांगो नदी अपना मार्ग परिवर्तित करके बह रही है, वहां पर क्या होगा, वहां पर बाढ़ आएगी, क्या आएगी, बाढ़ आएगी, जिससे वहां पर भारी या अधिक मात्रा में क्या होगा, तबाही होगी। और इसी कारण जो हांगो नदी होती है उसको क्या बोलते हैं, चीन का शोक बोलते हैं या विश्व की आत्मघाती नदी बोलते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि अपना मार्ग बदलती रहती है। मार्ग बदलने की वजह से क्या होती है, बाढ़ आती है, जो अभी मैंने बता दिया, मार्ग बाढ़ भी आती है। दोबारा समझाता हूँ, जैसे ये नदी है ये अपना इस तरीके से मार्ग बदल रही है, इस एरिया में बाढ़ आएगी, इस वाले एरिया में बाढ़ आएगी, ठीक है, यदि सही ढंग का रास्ता नहीं मिला, बिल्कुल आगे ढलान वाला रास्ता नहीं मिला तो इस एरिया में बाढ़ आएगी, और यदि बिल्कुल ढलान वाला रास्ता मिल गया तो इस एरिया में बाढ़ आएगी, लेकिन बाढ़ आएगी, ठीक है। तो हांगो नदी के बारे में इतना बहुत इम्पोर्टेंट था जिसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट नदी है, हांगो नदी के जस्ट दक्षिण में यांगसी नदी, कौन सी है, यांगसी नदी, तीसरे नंबर पर है यांगसी नदी, ठीक है। अब जो ये यांगसी नदी है इसको यांगस्ती का यांगस्ती कांग नदी भी कहते हैं, यांगसी नदी को यांगस्ती कांग नदी भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो उद्गम स्थल है सिकांग की पहाड़ी है, क्या है, सिकांग की पहाड़ी, सिकांग की पहाड़ी की जो यांगसी या यांगस्ती कांग नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है, सिकांग की पहाड़ी है। जिले कहां पर होता है इसका, पूर्वी चीन सागर में होता है, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, इससे बिल्कुल सीधी बात है कि ये चाइना की भी सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है वो है 6300 किलोमीटर, कितनी है, 6300 किलोमीटर लंबी है ये नदी, ठीक है। तो ये आपको जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इनको ध्यान में रखना है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कौन से सागर में गिरती है, यांगसी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं जस्ट दक्षिण में मेकांग नदी, मेकांग नदी के ऊपर चलते हैं हम और मेकांग नदी की बात करें, मेकांग नदी चौथे नंबर पर, ठीक है। तो मेकांग नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तिब्बत से होता है, कहाँ से होता है,
तिब्बत से होता है, ठीक है, यहाँ से उद्गम होता है इसका, यहाँ पर तिब्बत का पर्वतीय क्षेत्र है, पठारीय क्षेत्र है, यहाँ से मेकांग नदी निकलती है। इसका विलय कहाँ पर होता है? इसका विलय हो रहा है यहाँ दक्षिण में, कहाँ पर हो रहा है? दक्षिण में हो रहा है, मतलब दक्षिण चीन सागर में, ठीक है। उसके बाद बात करें, यह नदी है, यह नदी म्यांमार, ये पूछता रहता है एग्जाम में, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया में बहती है, कि जो मेकांग नदी है वो म्यांमार, फिर लाओस, फिर वियतनाम और कंबोडिया, इन चार देशों से बहती हुई कहां पर जाती है? चाइना में भी बहती है, ये ध्यान रखना, चीन में भी बहती है। तो जो मेकांग नदी है वो म्यांमार, लाओस, वियतनाम, चीन और कंबोडिया, इन पांच देशों में बहती है और लास्ट में कहां चली जाती है? दक्षिणी हिंद महासागर में जाके गिर जाती है, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा इस नदी पर मेकांग गंगा परियोजना, परियोजना की शुरुआत की गई, ठीक है। किसकी शुरुआत की गई? मेकांग गंगा परियोजना की शुरुआत। तो मेकांग गंगा परियोजना कौन सी नदी पर है? मेकांग नदी पर है। कौन से देश की परियोजना है? भारत की परियोजना है, ठीक है। इसमें यह आपको ध्यान में रखना है, मेकांग नदी कौन कौन से देशों से बहती है। उसके बाद एक नोट करके और लिख लो, ये दो बातें पूछता रहता है, दो नदियां हैं दक्षिण पूर्वी एशिया की है, वो भी मेनाम नदी, कौन सी है? मेनाम नदी, थाईलैंड की प्रमुख नदी है, ठीक है। मेनाम नदी है जो थाईलैंड की प्रमुख नदी है, थाईलैंड से बहती है, और जो मेकांग नदी है वो म्यांमार, चीन, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम से बहती है। यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है, इसलिए मैंने इन दोनों बातों को लिखा है, आपको इनको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 10 से 12 बार क्वेश्चन पूछ चुका है यहाँ से, तो आप इनको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, ठीक है। बहुत सिंपल से तरीके से क्वेश्चन पूछता है, वहाँ पर मिलान करवाता है, मेकांग नदी कौन कौन से देशों से बहती है, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड, किसी भी तरीके से मिलान करवा सकता है। जैसे यहाँ पर मेकांग नदी दे दिया, या मेनाम दे दिया, साइल इरावदी नदी दे दिया, यहाँ पर सालवी नदी दे दिया, उनको आपस में मिलान करवा लिया। लेकिन जो उसका मिलान है वो मोस्टली सही और गलत होता है, मेकांग और मेनाम नदी के आधार पर वो पेपर को इसी तरीके से सेट करता है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं, बहुत सी बुकों में आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो मेकांग नदी है वो थाईलैंड से भी जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मेकांग नदी थाईलैंड से नहीं बहती है, यदि थाईलैंड दिया हुआ है तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि थाईलैंड से मेनाम नदी बहती है। उसके बाद हम बात करें इरावदी नदी, कौन सी नदी? इरावदी नदी, इरावदी नदी म्यांमार या बर्मा की प्रमुख नदी है, क्या है? म्यांमार या बर्मा की प्रमुख नदी, ठीक है। पहली बात, म्यांमार और बर्मा की प्रमुख नदी, यह उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, बिल्कुल मैप में देख लो आप कि जो इरावदी नदी है वो बिल्कुल उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। वैसे सालवन भी बह रही है, मेकांग भी बह रही है, ये तीनों नदियां जो उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही हैं, ठीक है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, म्यांमार की सबसे लंबी नदी कहाँ की? म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। म्यांमार को यह नदी दो भागों में विभाजित करती है, म्यांमार को यह नदी दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है।
म्यांमार को यह नदी दो भागों में विभाजित करती है। सपोज डेट ये म्यांमार का मानचित्र है तो ये नदी इस तरीके से बहती है। ठीक, ये कौन सी नदी है? ये है इरावदी नदी। ये क्या है? म्यांमार। तो इस तरीके से जो म्यांमार जो इरावदी नदी है वो म्यांमार को दो भागों में डिवाइड करती है, ये पश्चिमी भाग ये पूर्वी भाग। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आगे छठे पॉइंट पर। तो छठे जब छठा पॉइंट है उसमें हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी देखो, जो सिंधु नदी है आपको दिख रही है, सिंधु नदी कहाँ पर है? ये रही सिंधु नदी। ठीक है, कहाँ पर गिर रही है? अरब सागर में गिर रही है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तिब्बत के निकट। तिब्बत के निकट मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर के निकट, तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिन का बाब नामक स्थान से, जो सिंधु नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिन का बाब नामक स्थान से निकलती है और इसका विलय कहाँ होता है? विलय हो रहा है अरब सागर। कहाँ पर हो रहा है इसका विलय? इसका विलय होता है अरब सागर में। अरब सागर में ये जाके गिरती है। ठीक है, उसके बाद हम सातवें नंबर पर बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। बिल्कुल दिख रही है ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से बह रही है। ठीक है, इस तरीके से बह रही है। इसका उद्गम स्थल क्या है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग नामक हिमवाह से निकलते हैं। कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट। कहाँ पर? मानसरोवर झील के निकट एक चेमायुंग नामक हिमवाह है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और इसका विलय कहाँ पर होता है? गंगा नदी में होता है। किसमें होता है? गंगा नदी में। देख सकते हो यहाँ से निकली ब्रह्मपुत्र नदी और यहाँ पर ये गंगा नदी बह रही है, इसमें आकर गिर जाती है। ठीक है, जब आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ गंगा नदी जो तंत्र है वो पूरा तो उसमें और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बिल्कुल अच्छी तरीके से अलग अलग करके पढ़ा चुका हूँ, आप उसको ज़रूर देखना, जहाँ पर मैंने समझा दिया है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों किस नाम से आपस में मिलती हैं। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र किस नाम से आपस में मिलती हैं? क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में अलग नाम से जाना जाता है, फिर भारत में प्रवेश करते हैं फिर अलग नाम से जाना जाता है, गंगा में मिलने के बाद अलग नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में अलग नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आठवें नंबर पर है गंगा नदी। कौन सी है? आठवें नंबर पर है गंगा नदी। जो गंगा नदी है उसका उद्गम क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री। क्या है? गंगोत्री हिमनद। ठीक है, पहली बात गंगोत्री हिमनद गंगा नदी का उद्गम स्थल है, इसका विलय होता है बंगाल की खाड़ी में। मैं यहाँ पर आपको जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वही बता रहा हूँ, यदि मैं बिल्कुल डिटेल से सभी नदियों को समझाऊँगा तो 5-7 घंटे का एक भारत के राजस्थान की जो मानचित्र है
या राजस्थान की जो नदियाँ हैं वहाँ पर आप 20 से 30 पेज पेज पढ़ सकते हो। हम तो पूरे विश्व की नदियाँ पढ़ाएंगे आपको, तो यहाँ पर मैं आपको एक बुक लिख के दे सकता हूँ, जो विश्व की नदियाँ हैं उनके ऊपर आप खुद भी एक बुक लिख सकते हो गूगल से सर्च करके, बुकों में पढ़ के। लेकिन हमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो मैं सारा आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। उसके बाद आता है ओब नदी, आपको दिख रही है ओब नदी कहाँ पर है, ठीक है? ओब नदी, ओब नदी उद्गम। देखो जो ओब नदी है वो एक तो बिया नदी, बिया नदी एवं कतुन नदी, कतुन नदी के संगम। कि जो ओब नदी है वो बिया नदी और कतुन नदी के संगम से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बिया नदी और कतुन नदी के संगम से निकलती है। इसका विलय कहाँ पर होता है? आर्कटिक सागर में होता है। कहाँ पर होता है? इसका विलय आर्कटिक सागर में होता है। एशिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, एशिया की तीसरी सबसे लंबी नदी। पहली एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग्त्सी नदी, दूसरी है हांगो नदी और तीसरी है ओब नदी, ठीक है? ये एशिया की तीन सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है यांग्त्सी नदी, फिर हांगो नदी और फिर ओब नदी, ठीक है? जहां तक आपको समझ में आ गया, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ओब येलेसी लीना, ये नदियां आर्कटिक सागर में गिरती हैं। ओब येलेसी और लीना, जो ये तीनों नदियां हैं वो कहां पर गिरती हैं? आर्कटिक सागर में गिरती हैं। कहां पर गिरती हैं? आर्कटिक सागर में गिरती हैं। ये नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, ठीक है? ओब येलेसी, ये तीनों नदियां हैं जो आर्कटिक सागर में गिर रही है, यहां पर गिरती हैं और ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, ठीक है? तो यहां पर इन नदियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने आपको बता दी। तो इसी के साथ हमारी जो एशिया की प्रमुख नदियां हैं वो कंप्लीट होती हैं। अब हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप में चले हम, तो हम बताएंगे आपको कि यूरोप की प्रमुख नदियां कौन सी हैं। तो हेडलाइन डालते हैं यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदी, प्रमुख नदियां किसकी? यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियां। देखो यूरोप का मानचित्र बनाते हैं, सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये हमारा भूमध्य सागर का एरिया आ गया बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है? और हम ऊपर की ओर चलते हैं बिल्कुल इस तरीके से, और इस तरीके से चलते हुए हम बिल्कुल नीचे आते हैं, वो ये एशिया वाला एरिया आता है, और एशिया वाले एरिया से हम बिल्कुल आपस में इस तरीके से भूमध्य सागर वाले एरिया से मिल जाते हैं। तो समथिंग समथिंग ये रूस का मानचित्र है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी नदी कहाँ पर बहती है। देखो ये है वोल्गा नदी, कौन सी है? वोल्गा नदी, ठीक है? ये वोल्गा नदी है, ये पो नदी है, ये पो नदी है, ये वोल्गा नदी है, ये डैन्यूब नदी है, ठीक है? ये डैन्यूब नदी है। उसके बाद बात की जाए, ये विस्तुला नदी है, ठीक
ये कौन सी है? ये विस्चूला नदी है। विस्चूला नदी के जस्ट नीचे है ये ऑर्डर नदी है। कौन सी है? ऑर्डर नदी है, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे है राइन नदी, बिल्कुल इस तरीके से ये है राइन नदी, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं कुछ भी। इन नदियों का आपको अच्छे तरीके से मैप, आपके माइंड में मैप डिजाइन करना है। इन नदियों का माइंड में मैप डिजाइन करो जिससे आप कभी भी इनको भूल नहीं पाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं डैन्यूब नदी, ठीक है। डैन्यूब नदी कहाँ पर है? डैन्यूब नदी है यहाँ पर, ठीक है। तो डैन्यूब नदी का हम उद्गम स्थल की बात करें, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो जो डैन्यूब नदी का उद्गम स्थल है वो है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट, और ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? जर्मनी में, ठीक है। डैन्यूब नदी का उद्गम स्थल है ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि जर्मनी में है। ये कहाँ गिरती है? विलय कहाँ पर होता है इसका? काला सागर में। यहाँ पर कौन सा सागर? काला सागर है यहाँ, ठीक है। तो इसका विलय कहाँ पर होता है? काला सागर में। देखो वोल्गा के बाद डैन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। कि जो डैन्यूब नदी है वो वोल्गा के बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये आपको डैन्यूब नदी के बारे में था। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर वोल्गा नदी, ठीक है। वोल्गा नदी कहाँ पर है? यहाँ पर है वोल्गा नदी, इस तरीके से, ठीक है। वोल्गा नदी की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं उद्गम। तो जो वोल्गा नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो है वोल्दाई की पहाड़ी। क्या है? वोल्दाई की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ पर वोल्दाई की पहाड़ियाँ हैं इस तरीके से, और यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? वोल्गा नदी निकल रही है। इसका विलय कहाँ पर होता है? कैस्पियन सागर में। यहाँ पर कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर है। यहाँ पर जो ये वाला एरिया ना, यहाँ पर कैस्पियन सागर है, ठीक है। यहाँ पर कैस्पियन सागर है, तो वोल्गा नदी का विलय कहाँ पर हो रहा है? कैस्पियन सागर में, ठीक है। उसके बाद बात की जाए, जो ये नदी है वो वर्ष के 3 महीनों में जम जाती है। जो वोल्गा नदी है वो वर्ष के 3 महीनों में जम जाती है, और बाकी के जो 9 महीने बचे हुए हैं उनमें ये बिल्कुल जल या द्रव रूप में बहती रहती है। मतलब जो वोल्गा नदी वो 3 महीने तो जमी हुई रहती है, बर्फ के रूप में रहती है, बाकी 9 महीने द्रव रूप में रहती है। ऋतु एवं स्थान के अनुसार इस नदी की गहराई बदलती रहती है। ऋतु एवं स्थान के अनुसार इस नदी की गहराई बदलती रहती है। ऋतु और गहराई के स्थान के अनुसार, किसके अनुसार? ऋतु और स्थान के अनुसार वोल्गा नदी की जो गहराई है वो बदलती रहती है, ठीक है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी, ठीक है। वोल्गा नदी है जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इतना आपका क्लियर हो गया होगा दो नदियों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। इनको लिख भी सकते हो आप, ठीक है, लिख सकते हो, नहीं आपको नोट्स बनाने हैं। और इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, जिससे मेरा आप कोई भी इस तरीके का वीडियो मिस ना कर पाओ। उसके बाद हम बात करते हैं राइन नदी। राइन नदी की बात की जाए तो आपको दिख रही है राइन नदी है यहाँ पर, ये इस तरीके से राइन नदी है यहाँ पर
आपको दिख रही है बिल्कुल। तो जो राय नदी है इसका जो उद्गम स्थल है उद्गम देखो स्विट्जरलैंड में दो नदियां हैं, एक है हिंटरराइन एवं दूसरी है हिंटरराइन एवं बॉर्डर राइन दोनों मिलकर हिंटरराइन और बॉर्डर राइन दोनों की दोनों नदियां मिलकर मुख्य राइन नदी का निर्माण करती हैं। मुख्य राइन नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, समझ में आ गई आपको ये बात कि जो मुख्य राइन नदी है वो हिंटरराइन और बॉर्डर राइन दो नदियों के मिलने से बनती है और ये दोनों नदियां स्विट्जरलैंड में आपस में मिलती हैं। ठीक है, अब हम बात करें आगे, जो राइन नदी है यह व्यवसायिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। राइन नदी व्यवसायिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, इसको तेल नदी भी बोलते हैं। यह नदी कोयला, लोहा एवं अनाज का व्यापार करती है। ठीक है कि जो राइन नदी है वो कोयला, लोहा और अनाज का व्यापार करती है। इसका विलय कहां पर होता है? उत्तर सागर में होता है, उत्तरी सागर में। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, राइन नदी स्विट्जरलैंड में हिंटरराइन और बॉर्डरराइन दोनों के मिलने से बनती है, ये एक व्यवसायिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, इसके द्वारा कोयला, लोहा और अनाज का सबसे ज्यादा व्यापार किया जाता है और इसका विलय उत्तरी सागर में होता है। ठीक है, तो ये राइन नदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। इसको तेल नदी भी बोलते हैं, ध्यान रखना, राइन नदी को तेल नदी भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे नंबर पर है पो नदी। कौन सी नदी है? पो नदी दिख रही है आपको यहाँ पर, यह रही पो नदी। ठीक है, यह है पो नदी इटली की प्रमुख नदी है। सबसे पहली बात, इटली की प्रमुख नदी, कहाँ की प्रमुख नदी है? इटली की प्रमुख नदी है। यह आल्पस क्षेत्र से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, पो नदी है जो इटली की प्रमुख नदी है जो कि आल्पस क्षेत्र से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है, इसे इटली की गंगा भी कहते हैं, इसे इटली की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इटली की गंगा भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि इटली की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? पो नदी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पांचवें नंबर पर बात करते हैं ऑर्डर नदी। कहां पर ऑर्डर नदी? ऑर्डर नदी ये रही। ठीक है, तो ऑर्डर नदी के बारे में बात करें तो इसका जो स्रोत है वो क्या है? चेक गणराज्य। इसका स्रोत क्या है? चेक गणराज्य। विलय कहां पर होता है इसका? बाल्टिक सागर में। कहां पर होता है इसका विलय? बाल्टिक सागर में होता है। जो ओडर नदी है वो पोलैंड एवं जर्मनी की सीमा बनाती है। ओडर नदी पोलैंड और
जर्मनी की सीमा बनाती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी पो और ओडर नदी के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पर निस्टर नदी, जिसको मैंने मानचित्र में नहीं दिखाया है, लेकिन निस्टर नदी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट बात है। निस्टर नदी, निस्टर नदी देखो, जो निस्टर नदी है इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये यूक्रेन एवं मालडोवा, यह है यूक्रेन व मालडोवा, मालडोवा की सीमा बनाती है। निस्टर नदी यूक्रेन व मालडोवा की सीमा बनाती है और काले सागर में गिरती है, काला सागर में गिरती है, इसमें गिरती है काला सागर में गिरती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सातवें नंबर पर यूराल नदी। देखो यूराल नदी की बात की जाए तो जो यूराल नदी है उसका उद्गम कहां पर है बताओ, यूराल नदी का उद्गम कहां पर है? यूराल पर्वत के दक्षिणी भाग से, कहां से? यूराल पर्वत के दक्षिणी भाग से यूराल नदी का उद्गम होता है। विलय कहां पर होता है इसका? कैस्पियन सागर में। कहां पर हो रहा है? कैस्पियन सागर में, ठीक है। उसके बाद बात की जाए वोल्गा, डेन्यूब के बाद यूराल यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। समझ में आया? वोल्गा डेन्यूब के बाद यूराल यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कैस्पियन सागर गर्म में जल का प्रमुख स्रोत, जो कैस्पियन सागर है उसमें जल का प्रमुख स्रोत है, सबसे पहला है वोल्गा नदी, वोल्गा नदी, और दूसरे नंबर पर है यूराल नदी। वोल्गा नदी और यूराल नदी ये दोनों नदियां हैं जो कैस्पियन सागर में जल का प्रमुख स्रोत है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात लिख लो, किसकी? यूराल नदी की। यूराल नदी यूरोप एवं एशिया की सीमा बनाती है। महाद्वीप की सीमा बनाती है। जो यूराल नदी है वो यूरोप और एशिया महाद्वीप की सीमा बनाती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यूरोप की प्रमुख नदियों के बारे में। एक बार इनको अच्छी तरीके से आप पढ़ लो, रिवाइज कर लो, फिर हम नेक्स्ट महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। एक बार जो जो मैंने पढ़ा दिया अब तक आपको, उसको एक बार जल्दी से जल्दी रिविजन करो आप, अब भी रिविजन करो आप एक बार, उससे क्या होगा आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और आप लंबे टाइम तक बोर भी नहीं होंगे। मैं इसी वीडियो में बाकी की जो चार कॉन्टिनेंटल हैं उनकी उसकी नदियों की भी बात करूंगा। तो एक बार आप जितना मैंने पढ़ा दिया है इसको बिल्कुल एक बार अच्छे तरीके से याद करो, अब भी याद करो इसको। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल की, वो है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। किसकी बात करते हैं हम? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तो इसका मैं पहले आपको मानचित्र बना देता हूं।
ठीक है, ये हमारा समथिंग समथिंग एक है, उत्तरी अमेरिका का मानचित्र बन गया है। अब हम इसमें बात करते हैं, यहाँ पर है सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी है? सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ सेंट लॉरेंस नदी, साथ के साथ चल जाते हैं। चलो एक बार मैं इसी में दिखा देता हूँ, सेंट लॉरेंस नदी है, यहां पर है मिसिसिपी नदी। थोड़ी ये बाकी तीखी रहती है, इनको आप बाकी तीखी कर लिया करो, मिसिसिपी नदी। ठीक है, क्योंकि नदियां बिल्कुल सीधी नहीं होती, मैं सीधी बना देता हूँ। और इसके अलावा इसमें ये मिलती है मिसौरी नदी। कौन सी है? मिसौरी नदी। ठीक है, इसमें मिसौरी नदी मिलती है। इसके अलावा यहां पर है कोलंबिया नदी। कौन सी है? ये यहां पर है कोलंबिया नदी। ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा यहां पर है युकॉन नदी। ठीक है, यहां पर है युकॉन नदी। इसके अलावा यहां पर है कोलोराडो नदी। यहां पर कौन सी है? कोलोराडो नदी। और यहां पर है ये रियो ग्रांड नदी। कौन सी है? रियो ग्रांड नदी। ठीक है, तो ये हो गया हमारी अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसकी प्रमुख कुछ नदियां हैं, उनका ये मानचित्र है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंट लॉरेंस नदी के बारे में। देखो, जो इसका उद्गम है, सेंट लॉरेंस नदी का जो उद्गम है वो कहां पर है? ओंटारियो झील है। ओंटारियो झील। कौन सी झील है? ओंटारियो झील। उसका विलय कहां पर होता है? इसका कि जो सेंट लॉरेंस नदी है उसका विलय कहां पर होता है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में होता है। कहां पर होता है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। सेंट लॉरेंस की खाड़ी में इसका विलय होता है। जो सेंट लॉरेंस नदी है यह वृहद झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं सेंट लॉरेंस नदी के बारे में जिनका आपको ध्यान रखना है, कि यहां से आपको पता चलता है कि यहां पर क्या है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। यहां पर क्या है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। यहां पर क्या है? ओंटारियो झील है। ठीक है, यहां पर ओंटारियो झील है, यहां पर सेंट लॉरेंस की खाड़ी है जो कि अटलांटिक महासागर में है। उसके बाद हम बात करते हैं युकॉन नदी। कौन सी है? युकॉन नदी। कहां पर गिर रही युकॉन नदी? ठीक है, इस युकॉन नदी के बारे में बात की जाए तो यह बेरिंग सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। बेरिंग सागर में गिरने वाली, सबसे बड़ी नदी है। क्या है? कि जो युकॉन नदी है वो बेरिंग सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट नदियों के बारे में, उसके बाद हम बात करते हैं कोलंबिया नदी। बिल्कुल दिख रहा है कोलंबिया नदी कहां पर है? देखो, कोलंबिया नदी यहां पर है, ये रही कोलंबिया नदी। ठीक है, इस तरीके से जा रही है। इसका उद्गम कहां पर है? कोलंबिया नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां पर है? कोलंबिया झील, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में,
कोलंबिया झील जो कहाँ पर है, ब्रिटिश कोलंबिया में, कहाँ पर है, ब्रिटिश कोलंबिया में, कहाँ पर है, ब्रिटिश कोलंबिया में। कोलंबिया झील जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में है, कनाडा में, किसमें, कनाडा में। देखो कनाडा का एक प्रांत है ब्रिटिश कोलंबिया और उसमें एक कोलंबिया झील है जहां से कोलंबियो नदी निकलती है, समझ में आ गया। कनाडा एक कंट्री का नाम है, ब्रिटिश कोलंबिया एक प्रांत या स्टेट का नाम है और कोलंबियो झील है। तो जो कोलंबियो नदी है वो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के कोलंबियो झील से निकलती है। उसके बाद ये गिरती कहाँ है, इसका विलय होता है प्रशांत महासागर, किसमें होता है, प्रशांत महासागर में। आप देख सकते हो बिल्कुल प्रशांत महासागर में गिर रही है, यहाँ पर क्या है, कोलंबियो झील है और यहाँ पर क्या गिर रही है, प्रशांत महासागर में गिर रही है नदी, ठीक है, किसमें गिर रही है, प्रशांत महासागर में गिर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं कोलोराडो नदी, कौन सी नदी, कोलोराडो नदी, यहाँ पर है कोलोराडो नदी, ठीक है, इस तरीके से कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी के बारे में बात की जाए तो ये एक ला पोड्रे पास, क्या, एक ला पोड्रे पास नामक स्थान है, कहां पर है ये, कोलोराडो में, कहां पर है, कोलोराडो में, कोलोराडो कहां पर है, अमेरिका में, ठीक है, ध्यान रखना। एक जो कोलोराडो नदी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो प्रांत के ला पोड्रे पास नामक स्थान से निकलती है और इसका जो मुहाना है वो कैलिफोर्निया की खाड़ी है। विलय कहां पर होता है इसका, कैलिफोर्निया की खाड़ी में, कहां पर गिरती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोलोराडो नदी कहां पर गिरी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में। उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट नदी के बारे में, तो देखो नेक्स्ट नदी है मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी, कौन सी है, मिसिसिपी नदी। देखो मिसिसिपी नदी के बारे में बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल देखते हैं सबसे पहले हम कि इसका उद्गम स्थल क्या है। तो जो मिसिसिपी नदी है उसका उद्गम स्थल है मिनसोटा राज्य की इटास्का झील, इटास्का झील है मिनसोटा राज्य में, एक मिनसोटा राज्य है जिसमें इटास्का झील है जहां से मिसिसिपी नदी निकलती है, ठीक है। इसका विलय कहां पर होता है, इसका विलय होता है कहां पर, मैक्सिको की खाड़ी में, देखो ये मिसिसिपी नदी है यहां से बिल्कुल इस तरीके से आ रही है, तो यहां पर क्या है, यहां पर एक इटास्का झील है, यहां पर मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है, ये क्या है, मैक्सिको की खाड़ी है। तो जो मिसिसिपी नदी है वो ऊपर से आ रही है, यहां पर क्या है, इटास्का झील है और ये यहां पर आके मैक्सिको की खाड़ी में गिर रही है। इसकी यह है उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी एवं जो मिसिसिपी नदी है वो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी एवं विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है, एवं विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, मिसिसिपी नदी है जो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 6,275 किलोमीटर, कितनी है, 6,275 किलोमीटर लंबी है यह नदी।
इस नदी को अमेरिका के मध्य सीमा माना जाता है, अमेरिका की मध्य सीमा माना जाता है। ठीक है कि जो मिसिसिपी नदी है उसको अमेरिका की मध्य सीमा माना जाता है। यह है पश्चिमी अमेरिका एवं पूर्वी अमेरिका के बीच सीमा बनाता है। ठीक है कि जो यह नदी है कौन सी, मिसिसिपी नदी है, यह नदी अमेरिका की मध्य सीमा माना जाता है और यह पश्चिमी अमेरिका एवं पूर्वी अमेरिका के बीच सीमा बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मिसौरी नदी मिसिसिपी नदी की सबसे साथ की प्रमुख सहायक नदी है। बिल्कुल समझ में आ गया कि जो मिसौरी नदी है यह मिसिसिपी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। बिल्कुल देख रहे होंगे आप, ये मिसौरी नदी है जो कि मिसिसिपी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है मिसिसिपी नदी के बारे में। अब हम आगे बात कर लेते हैं, एक लास्ट नदी बची हुई है यहाँ की, वो है रियो ग्रांड नदी। रियो ग्रांड नदी, ठीक है, रियो ग्रांड नदी उद्गम, तो जो रियो ग्रांड नदी है इसका उद्गम है संयुक्त राज्य अमेरिका के यूएसए के कोलोरेडो प्रांत, कोलोरेडो प्रांत के दक्षिण में स्थित कोलोरेडो प्रांत के दक्षिण में स्थित सैन जुआन पर्वत से। ठीक है कि जो रियो ग्रांड नदी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोरेडो प्रांत के दक्षिण में स्थित सैन जुआन पर्वत से निकलती है। इसका विलय होता है मैक्सिको की खाड़ी में, कहां पर होता है, विलय होता है मैक्सिको की खाड़ी में। कौन है इसका विलय, मैक्सिको की खाड़ी में। यह नदी मैक्सिको व अमेरिका के बीच, यह मैक्सिको एवं अमेरिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है कि जो रियो ग्रांड नदी है वो मैक्सिको और अमेरिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां थी वो कंप्लीट होती हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया जो महत्वपूर्ण नदियां थी उन सभी के बारे में। अब बिल्कुल कंटिन्यू रहते हुए हम आगे चलते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर। किस पर चलते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस पर चलते हैं हम, उसके बाद चलते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर। तो देखो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक बार मैं मानचित्र बना देता हूं। ठीक है, ये हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक मानचित्र है। इसमें यहाँ पर एक बहती है ओरोनिको नदी, कौन सी है, ओरो
निको नदी। कौन सी है? ओरोनिको नदी बह रही है यहाँ पर। कौन सी नदी है? ओरोनिको नदी है। यहाँ पर ही आके गिर रही है अमेजन नदी। कौन सी? अमेजन नदी। ठीक है, यहां से यहां पर कौन सी है? यहां पर है पराना नदी। ठीक है, और इसमें आके मिल रही है ये इस तरीके से प्रागवे नदी। कौन सी मिल रही है आके? प्रागवे नदी। ठीक है, ये एक प्रागवे नदी है जो आके पराना नदी में मिल रही है। ओके, आगे देखें तो यहां पर है एक नेग्रो नदी। इस तरीके से यहां पर एक नेग्रो नदी। कौन सी है? नेग्रो नदी। सीधे शब्दों में लिख देता हूं बिल्कुल। यहां पर कौन सी है? नेग्रो नदी है। ये पराना नदी है, इसमें ये प्रागवे नदी मिल रही है, ये अमेजन नदी है और ये ओरोनिको नदी है। यहाँ पर हम केवल इन्हीं नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरोनिको नदी। किसके बारे में बात करते हैं? ओरोनिको नदी के बारे में बात करते हैं। ये पश्चिमी उद्गम कहां पर? इसका उद्गम क्या है? पश्चिमी कॉर्डिलेरा। इसका उद्गम स्थल क्या है? पश्चिमी कॉर्डिलेरा। विलय कहां पर होता है इसका? देखो, ओरोनिको नदी कहां पर गिर रही है? अटलांटिक महासागर में। जो ओरोनिको नदी है वो पश्चिमी कॉर्डिलेरा से निकल रही है, अटलांटिक महासागर में गिर रही है। एंजल प्रपात है, एंजल प्रपात विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात है। प्रपात है जो इसी नदी पर है। ठीक है, कि जो विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात है एंजल प्रपात, वो ओरोनिको नदी पर ही है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट नदी है पराना नदी। ठीक है, पराना नदी पता है आपको कहां पर है? ये पराना नदी है। ठीक है, अब जो पराना नदी है उसका उद्गम क्या? उद्गम क्या है इसका? ब्राजीलियन उच्च भूमि। ब्राजीलियन उच्च भूमि। जो पराना नदी है वो ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकल रही है। विलय कहां पर हो रहा है इसका? अटलांटिक महासागर में। कहां पर हो रहा है? अटलांटिक महासागर में। ठीक है, उसके बाद बात की जाए जो पराना नदी है वो ब्राजील। ब्राजील एवं पराग्वे, पराग्वे के बीच बीच सीमा बनाती है। कि जो पराना नदी है वो ब्राजील और प्रागवे के बीच में सीमा बनाती है। कहां कहां पर सीमा बनाती है? ब्राजील और प्रागवे के बीच में सीमा बनाती है। दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में अमेजन के बाद, किसके बाद? अमेजन के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
ठीक है, कि जो पराना नदी है, वह पराना नदी है वो दक्षिण अमेरिका में अमेजन के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी पराना नदी, ठीक है। उसके बाद पराना नदी के बारे में एक दो पॉइंट और बचे हुए हैं जो मैं आपको बता देता हूं। पराना नदी रियो डा ले प्लाटा, रियो डे ला प्लाटा, रियो डे ला प्लाटा की पराना नदी रियो डे ला प्लाटा मुहाने का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? रियो डे ला प्लाटा मुहाने का निर्माण करती है। कौन सी नदी? पराना नदी, ठीक है। तो यह था पराना नदी के बारे में। अब हम बात करते हैं उसके आगे, नेक्स्ट नदी है अमेजन नदी, ठीक है। जो अमेजन नदी है उसके बारे में बात करें तो अमेजन नदी क्या है? अमेजन नदी, देखो अमेजन नदी के बारे में बात करते हैं हम आगे। इसका उद्गम कहां पर है? जो अमेजन नदी है उसका उद्गम कहां पर है? पेरू के एंडीज पर्वतमाला, पेरू के एंडीज पर्वतमाला, कहां? पेरू के एंडीज पर्वतमाला, रियो मंटारो, रियो मंटारो से निकलकर कि जो अमेजन नदी है उसका उद्गम कहां पर है? पेरू के एंडीज पर्वतमाला में एक रियो मंटारो नामक स्थान है जहां से अमेजन निकल नदी निकलती है। इसका विलय कहां पर हो रहा है? अटलांटिक महासागर में। किसमें हो रहा है? अटलांटिक महासागर में, ठीक है। उसके बाद बात की जाए अमेजन नदी आकार एवं आयतन, आयतन की दृष्टि से, इसकी दृष्टि से आकार एवं आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, कि जो अमेजन नदी है वो आकार और आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लंबाई के आधार पर, आधार पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। एवं साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। समझ में आया कि जो अमेजन नदी है वो आकार और आयतन की दृष्टि से तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन लंबाई के आधार पर विश्व की दूसरी और साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इस नदी की जो प्रवाह गति है, इस नदी की प्रवाह घाटी विश्व की सबसे चौड़ी प्रवाह घाटी है, ठीक है, कि जो अमेजन नदी की जो प्रवाह घाटी है वो विश्व की सबसे चौड़ी प्रवाह घाटी है, ठीक है। इतना आपने नोट कर लिया। उसके बाद हम और दिखाते हैं अमेजन नदी के बारे में कि अमेजन नदी के बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो देखो अमेजन नदी के बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंटों की बात की जाए अमेजन के वर्षा वन सबसे बड़े बड़े वन, पहली बात अमेजन के जो वर्षा वन है
वो सबसे बड़े वन है। अमेजन के वर्षा वनों को धरती के फेफड़े किसके धरती के फेफड़े कहा जाता है। दो बात है कि जो अमेजन नदी के जो वर्षा वन है उनकी दो बातें हैं, अमेजन नदी के वर्षा वन सबसे बड़े वन है, दूसरा इन्हें धरती के फेफड़े कहा जाता है। अमेजन जैव विविधता का केंद्र है, क्या है अमेजन है जो जैव विविधता का केंद्र है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी अमेजन नदी के बारे में जिनको आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, आपको याद भी करना है साथ के साथ, सबसे बेस्ट रहेगा जैसे वीडियो कंप्लीट हो आप तुरंत इनको याद करो। और देखो यदि आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अधिक हार्डवर्क कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। मैं अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहा हूँ, आप अपनी ड्यूटी फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट उरुग्वे नदी, चौथी है उरुग्वे नदी। ठीक है, उरुग्वे नदी क्या है, उरुग्वे एवं अर्जेंटीना की सीमा बनाती है। जो उरुग्वे नदी है वो उरुग्वे और अर्जेंटीना की सीमा बनाती है। इसका विलय कहां पर होता है, इसका विलय कहां पर होता है, रियो डे ला प्लाटा, कहां पर होता है इसका विलय, रियो डे ला प्लाटा में उरुग्वे नदी का विलय होता है। उरुग्वे नदी उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में सीमा बनाती है। उसके बाद बात की जाए टेनेसी नदी, टेनेसी नदी, देखो टेनेसी नदी की एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत की जो विश्व की प्रथम विद्युत परियोजना थी, जल विद्युत परियोजना थी, वो कौन सी थी, टेनेसी वैली प्रोजेक्ट। मैं डायरेक्ट लिखा देता हूं, टेनेसी नदी पर टेनेसी वैली प्रोजेक्ट, वैली प्रोजेक्ट टेनेसी नदी पर टेनेसी वैली प्रोजेक्ट विश्व की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, प्रोजेक्ट विश्व की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि विश्व की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, टेनेसी नदी घाटी परियोजना, टेनेसी वैली प्रोजेक्ट जिसको हम टेनेसी नदी घाटी परियोजना भी बोलते हैं, कौन सी नदी पर है, टेनेसी नदी पर है। ठीक है, नोट नोट करके लिखो, तीन नदियां हैं, कौन कौन सी है, उरुग्वे है, पराना है और पराग्वे, उरुग्वे पराना और पराग्वे तीनों नदियों को मिलाकर रियो डे ला प्लाटा का निर्माण होता है। ठीक है, रियो डे ला प्लाटा का निर्माण कौन कौन सी नदियां करती हैं, उरुग्वे करती है, पराना करती है और पराग्वे करती है। तो आपका ये कंप्लीट हुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो प्रमुख नदियां थी वो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल है अफ्रीका महाद्वीप, अब हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां किसकी बात करें,
अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों की बात करते हैं अब हम यहाँ, तो सबसे पहले हम बनाते हैं अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र। यह है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। यहाँ पर एक नदी है वोल्टा नदी, कौन सी नदी है? वोल्टा नदी, ठीक है, वोल्टा नदी। यह है हमारी नील नदी, कौन सी नदी? नील नदी। यह है हमारी नील नदी, इसमें यहां पर है व्हाइट नील, और ये इसमें इस तरीके से मिलती है ब्लू नील। ध्यान रखना, व्हाइट नील ब्लू नील दोनों मिलकर नील नदी का निर्माण करते हैं। यहां पर है जम्बेजी नदी, कौन सी है? जम्बेजी नदी। कौन सी है? जम्बेजी नदी। उसके जस्ट दक्षिण में लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो, एक बार मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं। जम्बेजी नदी के जस्ट दक्षिण में कौन सी है? कौन सी है? लिम्पोपो नदी। जम्बेजी नदी के दक्षिण में लिम्पोपो नदी, और यहां पर है ऑरेंज नदी, कौन सी नदी है? ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी कहां पर है? ये रही ऑरेंज नदी, ठीक है। और यहां पर है हमारी कांगो नदी, इस तरीके से यहां पर बहती है कांगो नदी, बहुत लंबी है वैसे ये। एक बार मैं थोड़ा व्हाइट नील को ब्लू नील को थोड़े से छोटे करता हूँ, इस तरीके से यहां पर है कांगो नदी, ठीक है। यहां पर है नाइजर नदी, ठीक है। यह हमारा अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों का मानचित्र बन गया है। अब हम एक एक को करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नील नदी, ठीक है, दिख रहा है नील नदी कहां पर आपको? ये वाली है जो नील नदी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं उसका उद्गम, कि नील नदी का उद्गम कहां पर होता है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से, नील नदी कहां से निकलती है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलती है। इसका विलय कहां पर होता है? कहां पर गिरती है ये? भूमध्य सागर में। कहां पर? भूमध्य सागर में विलय होती है। कहां पर विलय होती है? भूमध्य सागर में। संसार की सबसे लंबी नदी है ये, संसार की सबसे लंबी नदी। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 6690 किलोमीटर। कितनी लंबी है ये? 6690 किलोमीटर लंबी है। ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। कैसे बहती है? दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। जो नील नदी है उसको मिस्र का वरदान कहा जाता है। और ब्लू नील और व्हाइट नील दोनों नदियों के मिलने से किसका निर्माण होता है? नील नदी का निर्माण होता है, ब्लू नील और व्हाइट नील। ध्यान रखना, ब्लू नील प्लस व्हाइट नील इक्वल नील। ब्लू नील प्लस व्हाइट नील इक्वल नील रिवर, नील नदी, ठीक है।
तो ये था हमारा नील नदी के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं, दूसरी नदी है। एक बार मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। अब हम आगे बात करते हैं इसके बाद जम्बेजी नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में? दूसरे नंबर की हमारी जम्बेजी नदी, उसके बारे में बात करते हैं हम। किसके बारे में बात करते हैं? जम्बेजी नदी के बारे में। इसका उद्गम कहां पर है कि भाई जम्बेजी नदी कहां से निकलती है? उत्तरी पश्चिमी जाम्बिया के वेटलैंड से। उत्तरी पश्चिमी जाम्बिया के वेटलैंड से कहां से निकलती है? उत्तरी पश्चिमी जाम्बिया के वेटलैंड से जम्बेजी नदी निकलती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात की जाए जम्बेजी नदी की, तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि हिंद महासागर में गिरने वाली है। ध्यान रखना, हिंद महासागर में गिरने वाली अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। कि जो जम्बेजी नदी है वो हिंद महासागर में गिरने वाली अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। विक्टोरिया जलप्रपात इसी पर है। जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो जम्बेजी नदी पर ही स्थित है। अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, जो जम्बेजी नदी है वो अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी नदी है। तो ये हुआ हमारा जम्बेजी नदी के बारे में। इसको बिल्कुल आप अच्छी तरीके से नोट करो। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, वो आता है हमारा नाइजर नदी। कौन सी नदी है? नाइजर नदी। किस पर बात करते हैं हम नाइजर नदी के बारे में देखते हैं हम। नाइजर नदी कहां पर है? नाइजर नदी ये रही, ठीक है, यहां पर है नाइजर नदी। नाइजर नदी के बारे में बात की जाए, उद्गम गिनी की खाड़ी 175 किलोमीटर दूर, जो नाइजर नदी है वो गिनी की खाड़ी से 175 किलोमीटर दूर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नाइजर नदी गिनी की खाड़ी से 175 किलोमीटर दूर से निकलती है। और इसका विलय कहाँ पर होता है? गिनी की खाड़ी में होता है। ध्यान रखना, जो नाइजर नदी है वो गिनी की खाड़ी से 175 किलोमीटर दूर, यहाँ पर मैं लिखी देता हूँ, गिनी की खाड़ी से 175 किलोमीटर दूर से निकलती है और गिनी की खाड़ी में ही विलय हो जाती है। नदी का दक्षिणी भाग क्योरा नाम से प्रसिद्ध है। जो नाइजर नदी है इसका जो दक्षिणी भाग है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? क्योरा नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? क्योरा, यहाँ पर म्योरा नहीं है, क्योरा नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, जो नाइजर नदी है वो अफ्रीका की तीसरे सबसे बड़ी नदी है। तो ये हुआ हमारा नाइजर नदी के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट नदी है कांगो नदी। कांगो नदी को देख लेते हैं हम। देखो, कांगो नदी के बारे में पढ़ेंगे हम। चौथा पॉइंट है कांगो नदी। देखो, कांगो नदी
सबसे पहले मैं बात बताऊं, कांगो नदी को जायडे नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायडे नदी भी बोलते हैं। कांगो नदी को जायडे नदी भी बोलते हैं। नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी। जो कांगो नदी है वो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसको जायडे नदी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही था इसके बारे में। अटलांटिक महासागर में किसमें गिरती है? ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। विलय कहां पर होता है इसका? अटलांटिक महासागर में। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नदी है अफ्रीका महाद्वीप की लिम्पोपो नदी। इसके बारे में हम बात करते हैं, लिम्पोपो नदी के बारे में। देखो, जो लिम्पोपो नदी है उसके बारे में मैं बता दूं आपको। पांचवें पॉइंट पर लिखते हैं लिम्पोपो नदी। कहां पर लिम्पोपो नदी? लिम्पोपो नदी है यहां पर इस तरीके से। ठीक है, लिम्पोपो नदी देखो, इसको गडियाल नदी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गडियाल नदी भी बोलते हैं। पहली बात कि लिम्पोपो नदी को गडियाल नदी भी बोलते हैं। दक्षिणी अफ्रीका की नदी है ये। कहाँ की है? दक्षिणी अफ्रीका की नदी है। दक्षिणी अफ्रीका की प्रमुख नदी है। ठीक है, जो लिम्पोपो नदी है वो दक्षिणी अमरीका, जो अफ्रीका है उसकी प्रमुख नदी है। दक्षिणी अफ्रीका में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, कि जो लिम्पोपो नदी है वो दक्षिणी अफ्रीका में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। जोम्बेजी के बाद हिंद महासागर, जोम्बेजी के बाद हिंद महासागर में गिरने वाली अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी। देखो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस शब्द को। आप यहाँ पर मैंने लिखा है दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये कौन सी दूसरी सबसे बड़ी नदी है? वैसे दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांगो नदी है। लेकिन हिंद महासागर में गिरने वाली अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी है। और हिंद महासागर में गिरने वाली अफ्रीका की पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जोम्बेजी नदी है। ठीक है, मकर रेखा को दो बार काटती है। ये जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ लिम्पोपो नदी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की कुछ नदियां हैं जिनके बारे में। तो आपको बिल्कुल सही ढंग से समझ में आ रहा होगा, पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं आपको समझाने की। और हम इसी तरीके से इस चैनल के ऊपर रेगुलर नेट जेरफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सेट के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए रेगुलर पॉइंट टू पॉइंट नए
नेटजर्फ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए, इनके लिए रेगुलर में हम यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव तरीके से। ध्यान रखना मैं इसका यहाँ पर डेस्क्रिप्टिव भी पढ़ाता हूँ, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाता हूँ। तो यदि आप मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ उनको भी देखें आप। और यदि आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, आपको जर्फ करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कॉलेज लेक्चरर बनना है, एक तरीके से मैं बताऊं आपको, यदि आपको ज्योग्राफी में 75% प्लस से स्कोर करना है, कितना 75% प्लस स्कोर करना है, तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। क्या है व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। आप मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मेरे से डिस्कस करें। इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं 75% प्लस का स्कोर कराने की गारंटी लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट डालूँगा आपको, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन डालता हूँ डिस्क्रिप्शन के साथ। तो आप मेरे से इन कॉन्टैक्ट नंबर पर डिस्कस कर सकते हो यदि आपको ग्रुप में ऐड होना है तो। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मानचित्र, ठीक है। क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मानचित्र। ये सपोज डेट हमारा ऑस्ट्रेलिया, यहां पर क्या है ऑस्ट्रेलिया, ये यहां पर एक मर्रे नदी है, कौन सी नदी है, ये मर्रे नदी है, कौन सी नदी है, ये मर्रे नदी है, कौन सी नदी, मर्रे नदी, इसमें यहां से इस तरीके से मिल रही है डार्लिंग नदी, कौन सी नदी, डार्लिंग नदी, एक मर्रे नदी है, एक डार्लिंग नदी है। सबसे पहले हम बात करते हैं मर्रे नदी की। ऑस्ट्रेलिया की ये दो बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका उद्गम कहां पर है, कि जो मर्रे नदी है उसका उद्गम कहां पर है, तो जो मर्रे नदी है उसका उद्गम है ऑस्ट्रेलियन एल्पस से। कहां से निकलती है, ऑस्ट्रेलियन एल्पस से निकलती है, और विलय कहां पर होता है इसका, हिंद महासागर में, कहां पर होता है, हिंद महासागर में। कि जो मर्रे नदी है ऑस्ट्रेलियन एल्पस से निकलती है और हिंद महासागर में गिरती है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी, ठीक है, जो मर्रे नदी है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, और इसकी जो लंबाई है वो है 2508 किलोमीटर। कितनी है इसकी लंबाई, है 2508 किलोमीटर। उसके बाद बात की जाए डार्लिंग नदी की, कौन सी नदी की, डार्लिंग नदी की बात की जाए तो इसका जो उद्गम है, इसका उद्गम कहां पर है, डार्लिंग नदी का उद्गम है न्यू साउथ वेल्स, कौन सा है, न्यू साउथ वेल्स। विलय कहां पर है, कहां पर मिलती है, ये मिलती है मर्रे नदी से, मर्रे नदी का इसका विलय। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 1472 किलोमीटर। देखो कई बुकों में क्या कर रखा है, डार्लिंग नदी को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी दे रखा है, कहीं पर मर्रे नदी को ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी दे रखा है। ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मर्रे नदी, उसके बाद है डार्लिंग नदी, क्योंकि ये जो लंबाइयाँ हैं बिल्कुल सही हैं, विकिपीडिया से ली गई हैं ये सारी की सारी लंबाइयाँ, ठीक है। तो ये हुई हमारी सभी महाद्वीपों की जो प्रमुख महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण नदियाँ थी उनके बारे में। लेकिन आपके कंफ्यूज ना हो आप बिल्कुल कभी भी, इस बात को ध्यान रखते हुए मैं एक नया एक टॉपिक और बनाया हूँ आपके साथ, वो भी डिस्कस कर लेता हूँ मैं। सागर तथा उसमें गिरने वाली नदियां,
सागर तथा उसमें गिरने वाली नदियां। सबसे पहले हम बात करते हैं कैस्पियन सागर। देखो कैस्पियन सागर में दो नदियां गिरती हैं, एक तो है वोल्गा नदी। कौन सी नदी है? एक तो वोल्गा नदी है, दूसरी यूराल नदी है। ये दो नदियां हैं जो कैस्पियन सागर में गिरती हैं। उसके बाद बात की जाए अरल सागर। देखो अरल सागर में सर दरिया एवं अमूर दरिया, सर दरिया और अमूर दरिया, ये दो नदियां हैं जो अरल सागर में गिरती हैं। उसके बाद बात की जाए भूमध्य सागर। देखो भूमध्य सागर में कौन कौन सी नदी गिरती हैं? नील है, एब्रो है, नील, एब्रो, टाइबर और रॉन। नील, एब्रो, टाइबर, रॉन, ये भूमध्य सागर में गिरती हैं। उसके बाद बात की जाए काला सागर। देखो काला सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है? काला सागर में गिरते हैं निप्पर, निस्तर, डैन्यूब, डॉन। निप्पर, निस्तर, निस्तर, डैन्यूब और डॉन। निप्पर, निस्तर, डैन्यूब, डॉन काला सागर में गिरती है। उसके बाद बात की जाए बाल्टिक सागर। देखो बाल्टिक सागर में मुख्य मुख्य दो नदियां गिरती हैं, एक विस्तुला नदी है, विस्तुला नदी या विस्तुला नदी। विस्तुला और विस्तुला, विस्तुला या विस्तुला, बात एक ही है, विस्तुला या विस्तुला नदी। और कौन सी? ऑर्डर नदी। ये दोनों नदियां हैं जो बाल्टिक सागर में गिरती हैं। उसके बाद बात की जाए एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर में कौन सी नदी गिरती है? पोल नदी। ठीक है, पो नदी है जो एड्रियाटिक सागर में गिरती है। उसके बाद बात की जाए पित्त सागर। पित्त सागर या पीला सागर या सीनेहली की खाड़ी, इसमें कौन सी गिरती है? हांगो नदी। ठीक है, तो ये कुछ सात सागर थे जिनमें गिरने वाली नदियाँ थी। उसके अलावा कुछ और भी बचा हुआ है जो मैं आपके साथ और भी डिस्कस करता हूँ, तो वो है पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर में गिरती है यांगसी नदी, जिसको हम यांगस्ती कांग नदी भी बोलते हैं। यांगसी नदी या यांगस्ती कांग नदी है जो पूर्वी चीन सागर में गिरती है। उसके बाद है दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर में कौन सी नदी गिरती है? सिक्योंग और मिकांग। सिक्योंग और मिकांग, ये दोनों नदियां हैं जो दक्षिणी चीन सागर में गिरती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तरी सागर। तो देखो उत्तरी सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? इसमें गिरती है वेजर एवं एल्ब नदी। वेजर और एल्ब दो नदियां हैं जो उत्तरी सागर में गिरती हैं। तो देखो इसी के साथ हमारी एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया छह कॉन्टिनेंटल हैं, उन सभी की जो नदियां थी महत्वपूर्ण नदियां, उनका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने आपके साथ उन सभी नदियों का डिस्कस कर लिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा वैसे भी और कुछ नदियाँ बची हुई हैं लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो प्लीज़ इन सभी नदियों को आप ज़रूर अच्छी तरीके से याद करो। इसके अलावा मेरे चैनल के साथ बिल्कुल
लंबे टाइम तक बने रहने के लिए, जब तक आपका सिलेक्शन होता है तब तक के लिए बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, जिससे आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और आप यदि नहीं देख पा रहे हो तो इसके जो ऑब्जेक्टिव वीडियोज़ हैं उनको भी आप ज़रूर देखो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वीडियोज़ में मैं प्रेजेंट टाइम में UPPCS, MPPSC इन दोनों के असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। UPPCS और MPPSC इन दोनों के असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ 1996 से लेकर 2018 तक, तो जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है यहाँ पर, वहाँ तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ यदि आपने अभी तक इनके क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखें। और साथ ही साथ आपको बहुत बेस्ट स्कोर करना है 75% प्लस का, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप 7891350470 यहाँ पर मेरे साथ जुड़े, ठीक है। हाँ, इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ कि इनके जो वीडियोज हैं UPPSC MPPSC के जो वीडियो हैं वो मेरे आई कार्ड में मिल जाएंगे आपको। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, या आपका फ़ोन का डिस्प्ले है, लैपी का डिस्प्ले है, इसमें आप वीडियो देख लो, यहाँ पर एक गोला बना होता है जिसमें आई लिखा होता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, मेरे 5 वीडियो खुल जाएंगे आपके पास इस तरीके से, ठीक है। तो आप इन 5 वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।